मेरी बहन है, हमने इसकी शादी नहीं की थी शायद इसी वजह से कि देखते हैं कि इसका पहले एशियन गेम्स के बाद ही हम इसकी शादी करने वाले थे, लेकिन एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं आया था। मैंने पापा से प्रॉमिस किया कि पापा प्लीज़ बस आप थोड़े दिन और रुक जाओ, क्योंकि ये होता है ना जब पैसे नहीं होता है तो रिश्ता ऐसे ही आता है और ऐसे ही शादी हो जाती है नॉर्मली। तो उसका ड्रीम था कि मतलब वो अपने थोड़े थोड़े पैसे भी जोड़ती थी कि उसे एक कार लेनी है, चाहे कुछ मत दो उसको ज्वेलरी वगैरह कुछ मत दो, बस उसको एक कार लेनी है। तो मैं उसकी ड्रीम पूरा करूँगी, उसको कार दूंगी और उसकी शादी बहुत अच्छे से करेंगे। हम जो सोच लेते हैं ना वो होता ही है, अगर आप पहले ही अपने मन में सोच लोगे कि हो गई नहीं, तो इसलिए थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। हेलो एंड वेलकम टू द प्रिंट। The Indian Paralympic contingent touched down at the Indira Gandhi International Airport on Tuesday. People gathered in large numbers to welcome them for their record-breaking performance at the multi-sport event. India concluded its Paralympic campaign in Paris with a historic 29 medal tally. And today we are here at the Jawaharlal Nehru Stadium to meet Paralympic bronze medalist Preeti Pal, who made history as the first Indian female track athlete to win not one बट टू पैरालंपिक मेडल्स। प्रीति जी द प्रिंट में आपका स्वागत है। दो पैरालंपिक मेडल्स लेकर आप देश लौटी हैं, कैसे स्वागत हुआ आपका? पहले तो हमें मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, हमें आप इतना हाईलाइट कर रहे हो उसके लिए, अपनी पूरी टीम को, पीसीआई को और ओजीक्यू को, टॉप्स को और अपने यूपी फेडरेशन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमें उसने इस लायक बनाया, इतना सपोर्ट किया, जो कि मैं आज दो मेडल लेके आई हूँ एथलेटिक्स के, इसके लिए बहुत थैंक यू। और हमारा जो सबसे पहले तो हमने एंजॉय किया था वहीं पे ही पेरिस में ही आईफिल टावर पे। अच्छा। हमने वहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया, हम बहुत खुश हुए। तो जो आपकी आपकी जीत के बाद, दो मेडल जीतने के बाद आपने क्या महसूस किया? किसी का कॉल मैसेज आया आपके गांव से, आपके परिवार से? घर से भी आया और फिर पीएम मोदी ने भी बात करी थी अगले दिन ही कि अच्छा। आपने बहुत अच्छा किया है कि फर्स्ट टाइम ट्रैक पर मेडल आया है, और उन्होंने मुझे बधाई दी और ये बोला कि आपका इसी मंथ जन्मदिन भी आ रहा है। अच्छा। तो आप अपना जन्मदिन खूब धूमधाम से बनाना। मैंने कहा जी सर मैं बनाऊंगी तो मतलब उन्होंने डेट भी बताई, वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर को इतना मतलब पता है, इन्फॉर्मेशन मिली है उनको। तो आपने जब आपने जीत के बाद सबसे पहले घर में किसको कॉल किया और क्या बात हुई? घर में पापा मम्मी को फ़ोन किया मैंने, पापा मम्मी से बोला अब तो आप खुश हो, कह रहे कि हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा करा, मतलब उन्होंने कभी मीडिया को फेस नहीं किया था। अच्छा। और घर पे भी आस पड़ोस, मतलब पापा, पहले हमारा दूध का काम है तो पापा को सब ठेकेदार करके बोलते थे, लेकिन अभी जो हमारा काम बहुत टूट गया था और पापा को कोविड में कोरोना हो गया था और पापा डायबिटीज़ के भी वो पेशेंट हैं, तो मतलब हमारा काम बहुत ही ज़्यादा टूट गया, लेकिन फिर उनकी कोई रिस्पेक्ट करने नहीं लगा था, ये सोचते थे कि ये तो ऐसी है, बीमार भी रहता है, यूँ ही अब तो इसे क्या हो, मतलब सो कुछ भी, कोई कुछ भी कह देता था, लेकिन आज वही लोग जो रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहे थे पापा की, आज वही उनको बधाई देने आ रहे हैं और माला पहना रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि अपनी बिटिया से एक बार बात करा दो हमारी भी और हमारा फ़ोटो खिंचा देना, आपकी बेटे ने बहुत अच्छा काम करा है, उन वो कह, और मीडिया से भी सब उन्हें सेलिब्रेट करने आ रहे हैं, उनको माला वगैरह पहनाने आ रहे हैं, तो उन्हें बहुत खुशी हो रही है। तो स्पोर्ट्स में करियर बनाना ये आपने हमेशा से सोच रखा था? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, जब मतलब मेरे से चला तो सही से जाता नहीं था बचपन से ही जी। लेकिन मेरी जैसे एड़ी होती है ना, एड़ी नहीं टिकती है, पूरी पंजे से टिकते हैं, तो मैं ऐसे ही चलती थी, लेकिन हमारे स्प्रिंट का क्या काम होता है, 100-200 में पंजे से ही ज़्यादा पूरी रेस ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे ही सब लोग मुझसे बोलते थे कि इससे चला तो जाता नहीं सही से, लेकिन ये दौड़ लेती है। मैं तो मेरा इंटरेस्ट ना दौड़ की तरफ तो ऐसे ही आने लगा था, और फिर जब मैंने, मुझे कॉम्पीट तो करना नहीं था कि नॉर्मल गेम्स में तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि या कोई तो ऐसा तरीका होगा जिससे मैं कॉम्पीट कर सकती हूँ। फिर मेरे को ऐसे इंस्टाग्राम पे एक बार स्क्रॉल करते हुए पैरालंपिक्स की वीडियो आ गई। कब हुआ ये, कब आपने ये इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी? 2018 में देखी थी मैंने। अच्छा। 2018 में से फिर मैं स्टेट खेलने गई थी। अच्छा। कैलाश प्रकाश स्टेडियम में, वहीं पे मेरे को फातिमा खातून दी मिली, इंटरनेशनल प्लेयर है वो, उन्होंने ही मेरे को इसके बारे में बताया। अच्छा। फिर तो वहीं से मेरा इसका करियर स्टार्ट हो गया था पैरालंपिक्स का। तो जो आपको ये डिसेबिलिटी है, क्या आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगी, कब से है और क्या होता है? मेरे को बाई बर्थ हुई थी, मेरे पैर बिल्कुल पहले ऐसे थे, अब तो हो ही गए ऐसे, काफ़ी इनका ट्रीटमेंट हुआ था, इंजेक्शन वगैरह
और प्लास्टर वगैरह मैंने यहाँ तक कि कैलिपर भी पहने थे। अच्छा, और सूर्य ग्रहण में भी कुछ काम ऐसे होता था, जैसे गोबर की कूड़ी होती है ना, किसी ने बता दिया मम्मी को कि इसको उस इसको उसमें खड़ा करना तब तक सूर्य ग्रहण खत्म नहीं होगा। ऐसे जैसे सुबह से शाम से कितने भी घंटे का टाइम हो, मम्मी मुझे लेके खड़ी रहती थी साथ में, और बच्चों को भी बुला लेती थी कि आसपास इसके आसपास खेलो ताकि इसका मन भटका रहे। तो आपने एक इंटरव्यू में कहीं बोला था कि शुरुआत में आपके माँ बाप को भी लोगों ने बहुत ताने मारे कि इसकी शादी नहीं होगी। मतलब जब मैं पैदा हुई तो सब लोग बहुत रोए, खुशी का बिल्कुल भी माहौल नहीं था, क्योंकि कि दूसरी लड़की भी लड़की पैदा हुई है एक तो, और फिर ये था कि मतलब पैदा भी हुई है तो ऐसी हुई है, दिव्यांग पैदा हुई है, कि अब इसका क्या होगा, इसका आगे का करियर कुछ भी नहीं है, इससे कौन शादी करेगा। पापा को सबने बोला, पापा ने बोला कोई बात नहीं, मेरी बेटी है, जैसी भी है मेरी है, मैं इसको पालूंगा, बड़ा करूंगा, इसको अच्छे से पढ़ाऊँ लिखाऊंगा, जो कि अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाए। गैंग का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये तो। हम फिर मेरठ में पढ़ाई भी करने आए, पहले हमारा काफ़ी सही काम था, फिर हमने अपने घर वगैरह बनाया मेरठ में ही, हम दादी दादा के पास रहते थे वहीं पर ही। तो जैसे मेरे बहन भाई तो मतलब पढ़ाई करते थे, मैं भी पढ़ाई करती थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट गेम की तरफ आने लगा था लोगों को देख के। और आजकल तो क्या है, इंस्टा खोलोगे तो रनिंग ही चलती रहेगी, एथलेटिक्स की वीडियोज ही आती है अधिकतर, तो मेरा भी इंटरेस्ट उसी की तरफ चला गया था, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो जो लोग आपके माँ बाप को ताने मारते थे, और वो उनका आज क्या रिएक्शन है? आज वही लोग भी पापा के पास आते हैं, बैठते हैं पूरे पूरे दिन, कहते हैं कि अनिल तूने सही में अपनी बेटी का करियर बना दिया है, कि अब तो मतलब तुम्हारे भाग जाग गए हैं, इतना अच्छा हो गया है। और शादी को लेके अब ताने नहीं मारते कि अब कौन शादी करेगा? अभी तक तो मुझे नहीं पता, अभी तक तो मैं घर नहीं गई हूँ। वैसे बोलते हैं कि अब तो सब लोग मुझे बहुत बधाई दे रहे हैं बेटा, कि जो लोग मुझे ताने मारते थे आज वही मेरे पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि इतना समाज में हमारे किसी ने नहीं किया, और गांव में भी कोई नहीं है जिसने इतना नाम किया, तूने बहुत बड़ा कर दिया। तो आप मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से हैं जी, तो वहां से पेरिस तक का सफर में क्या कभी ट्रेनिंग या फंडिंग में आपने कोई बाधाएं आई? काफ़ी आई थी जब मैं वहीं पे प्रैक्टिस करती थी मेरठ में कैलाश प्रकाश स्टेडियम में, मैंने पिछले 6-7 साल वहीं पे प्रैक्टिस की है। अब मैं यहाँ पे तो अभी आई हूँ एशियन गेम्स के बाद ही, वहाँ पे मतलब ऐसी कच्चा ग्राउंड था, सिंथेटिक नहीं था, वहीं पे प्रैक्टिस करती थी मैं, तो मैं घर से साइकिल से ही जाती थी वहाँ तक। अच्छा, हाँ जी, मतलब 5-6 किलोमीटर तक, और मैं सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बना के तब जाती थी, क्योंकि दादी रहती है, दादी से तो इतना काम होगा ही नहीं, और बहन जो था वो घर का काम करती थी, उसकी होम जॉब भी है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन था, इसलिए मुझे बना के जाना पड़ता था खाना। और फिर मुझे अब पता लगा है कि अगर हम साइकिल से ही जाएंगे पहले ही पैर भर जाएंगे तो प्रैक्टिस ही क्या करेंगे। तो और उधर से आते मतलब डाइट कभी नहीं मिलती थी, मैं सिर्फ खाने ही खाती थी, जो डेली यूज़ का होता है ना, रोटी वगैरह जाके यही खाना था और कुछ भी नहीं था। अगर कभी कभी हो गया तो मैं घर से जूस पी के आ जाती थी, कि जब पैसे होते हैं, और मैं सोचती थी आज की डाइट तो आज की रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी, एक गिलास जूस मिल गया है, लेकिन अब यहाँ आके पता लगा कि एक गिलास जूस से कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल, तो पहले डाइट की प्रॉब्लम थी और सिंथेटिक वगैरह की भी प्रॉब्लम थी, कुछ भी नहीं था, ऐसे लगता था यार ये सब लोग इतने अच्छे शूज़ वगैरह पहनते हैं, स्पाइक इतनी अच्छी पहन रहे हैं, क्या पता इनकी परफॉर्मेंस इससे अच्छी आती हो, सप्लीमेंट्स भी लोग इतने खाते थे। लेकिन मेरा शुरू से ही ऐसा रहा कि कुछ भी नहीं मिलता था पेरिस से। तो मेरे को मैम जो मेरी किस्मत बदली है ना, मैं शायद मैं उसको भगवान मानती हूँ, फातिमा दी को, जो मुझे यहाँ तक लेके आई हैं, उन्होंने मेरे को यहाँ का रास्ता बताया। और जो मैं इनसे ऐसे मिली थी, जो फातिमा दी है इंटरनेशनल प्लेयर, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। अच्छा, और मैं सिमरन दी की पहले से ही फैन थी, मैं बोलती थी कि बस एक बार मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, इनसे पूछूंगी आप क्या क्या करते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कभी लाइफ में इनके साथ भी प्रैक्टिस करूँगी। तो उन्होंने मेरे को इनसे मिलवाया, उनसे बोला कि आप इसको प्रैक्टिस कराओ, सिमरन दी से बात करी, फिर सिमरन दी ने अपने हस्बैंड से बात करी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि मैं किसी लड़की को प्रैक्टिस नहीं करवाता हूँ। तो मतलब ऐसे ही कि सिमरन मैं नहीं, बस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा बस। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लड़की बहुत मेहनती है, प्रैक्टिस करेगी, अच्छा करेगी, तुम कराओ। मैं कह रही हूँ ना, जैसे एक जलन होती है ना, वो भी नहीं है, जैसे वो पैरा एथलीट ही है, उन्होंने पता नहीं कैसे चाहा कि नहीं ये भी लड़की आनी चाहिए, नहीं तो कोई भी अपने साथ वालों को नहीं चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने उनको फोर्स किया, और फिर वहाँ से
मैं मुझे इन्होंने लाया, उन्होंने कहा चलो सिमरन तुम बोल रही हो तो ठीक है मैं लेके आता हूँ और हम करेंगे कुछ, करते हैं देखते हैं अच्छा करेगी कैसा करेगी, अगर मेहनती होगी तो देख लेंगे। उन्होंने यहाँ मेरे से प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई फिर, और उन्होंने देखा कि इसकी किस किस चीज़ में कमी है उसको इम्प्रूव करेंगे। और पहली बार ग्राउंड पर आते ही उन्होंने मेरे को ये बोला कोच ने कि बस मैं तुम्हें प्रैक्टिस तो कराऊंगा लेकिन मुझे एक चीज़ चाहिए कि आप कभी ग्राउंड पे ना नहीं बोलोगी, आपने जिस दिन ना बोल दी ग्राउंड पे कि मुझसे नहीं हो रहा है मैं नहीं कर पाऊंगी तब मैं आपको उसी दिन भेज दूंगा। और आज तक मैंने कभी ना ही नहीं बोली है कि ये इतनी अच्छी लड़की है हार्ड वर्किंग है इसको सपोर्ट मिलना चाहिए और अच्छा करेगी। ये जो आपकी जीत है क्या इससे आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट अब मिल रहा है, क्या आप सस्टेन कर पा रही हैं अपने आप को फाइनेंशियली इस जीत के बाद? हाँ जी, इस जीत के बाद तो मैम सब कुछ ही हो गया है, OGQ से मैं स्पॉन्सर हो गई हूँ, टॉप से मैं हूँ, और कि ये PCI जो हमें इतना सपोर्ट करती है सारी चीज़ें। अब तो OGQ बोलता है कि आप बस हमें बताओ कि आपको ये चीज़ चाहिए आपके ट्रेनिंग के लिए, हम उसी दिन आपको भेज देंगे। और आपको गवर्नमेंट से भी कोई राशि मिली है मेडल पे, मेडल के लिए? अभी अभी सेंट्रल मिला है, कल ही ब्रॉन्ज पे 30 लाख रुपए दिए हैं उन्होंने। ओके। और अभी यहाँ पे जो हमारी स्टेट है खुद की वो हमें ब्रॉन्ज में 2 करोड़ रुपए देगी। तो आपके 2 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं तो 4 करोड़? हाँ जी, उसके तो हो जाएंगे लेकिन सेंट्रल के जो मिलते हैं वो 1 के ही मिलते हैं ऐसे। अच्छा, तो फिर उस राशि का आपने कुछ सोचा, आप क्या करेंगे? जी, मैंने सोच रखा है कि मैं अपने परिवार को, मतलब उनकी जो ड्रीम है, एक तो मेरी बहन है, हमने उसकी शादी नहीं की थी शायद इसी वजह से कि देखते हैं कि इसका पहले एशियन गेम्स के बाद ही हम उसकी शादी करने वाले थे लेकिन एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं आया था। मैंने पापा से प्रॉमिस किया कि पापा प्लीज़ बस आप थोड़े दिन और रुक जाओ, क्योंकि ये होता है ना जब पैसे नहीं होता है तो रिश्ता ऐसे ही आता है और ऐसे ही शादी हो जाती है नॉर्मली। मैंने उसका ड्रीम था कि मतलब वो अपने थोड़े थोड़े पैसे भी जोड़ती थी कि उसे एक कार लेनी है, चाहे कुछ मत दो उसको, ज्वेलरी वगैरह कुछ मत दो, बस उसको एक कार लेनी है। तो मैं उसकी ड्रीम पूरा करूँगी, उसको कार दूंगी और उसकी शादी बहुत अच्छे से करेंगे हम। और कुछ सोच रखा है आपने घर बनवाने का? हाँ जी, अपना जो घर है उसको सही से रिन्यूअल कराना है। अच्छा। और सबसे बड़ा तो मेरा यही है, अब उसकी फरवरी में हम शादी करेंगे बहुत अच्छे से। सबसे ज़्यादा मेरा यही ड्रीम था, मैं यही सोचती थी यार मेरे मेडल आ जाएगा तो हम उसकी शादी बहुत अच्छे से करेंगे। गवर्नमेंट से और भी जो जैसे साय है और भी जो पैरालंपिक की बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे बहुत सपोर्ट मिला है? हाँ जी। और कैसे आपके हिसाब से और क्या सपोर्ट मिल सकता है और कैसे पैरा एथलेटिक्स को हम और देश में बढ़ा सकते हैं? मैम जो ग्राउंड लेवल पे है मैं उनके लिए सपोर्ट मांगना चाहती हूँ। अगर देखो मैं भी ग्राउंड लेवल से ही उठ के आई थी, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो शायद मेरा मेडल नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि एशियन गेम्स में मैं 4th रह गई थी। तो वर्ल्ड और पेरिस ओलंपिक तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ तो डबल खिलाड़ी होते हैं जी। उन्हें मतलब ये देखना चाहिए, जैसे नेशनल गेम्स में बच्चे मेडल लेके आते हैं तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उनको स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए अच्छे से अच्छी, और उनकी डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि वो भी आगे आने वाली जनरेशन में मेडल लेके आए मेरी तरह। एक आखिरी सवाल, देश के जो युवा हैं जिनको कोई ना किसी तरह की डिसेबिलिटी है, जिनको लगता है कि आप शायद वो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मेरे को भी यही लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब मेरा मेडल आया था तो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा था और मुझे लगता है कि हमें यही सोचना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं। पहले जो होता है ना, स्टेडियम जाते हैं, हमारा वर्कआउट वगैरह होता है और फिर हम कोई गेम खेलने जाते हैं ना, तब हमारा मेडल नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि यार छोड़ो क्या है, हम इतनी मुश्किल है, हम यही नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पे हम हार मान लेते हैं। मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि वहीं पे ही नहीं हार माननी चाहिए, अपने जो आपने ड्रीम सोचा है ना उसको कंप्लीट करो और वो होएगा। अगर आपने बोल दिया कि मुझसे नहीं होगा तो उसमें ही नहीं आ गया तो आप कर ही नहीं सकते हो। मन से बहुत बड़ी चीज़ें होती है, जैसे सिमरन दी ने अपने मन से सोच लेते कि मेरा मेडल आएगा तो आएगा और वो देखो मेडल लेके आई है जी। और हम जो सोच लेते हैं ना वो होता ही है, अगर आप पहले ही अपने मन में सोच लोगे कि होगा ही नहीं तो इसलिए थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखोगे तो और ज़्यादा आप होता चला जाएगा। जैसे मेरा मेडल 1st में आ गया था ब्रॉन्ज 100 में, तो फिर मुझे लगा कि 200 में ही मेरा आएगा ही और मैं पक्का पूरी कोशिश करूँगी जिससे आए। इन पेरिस इंडियाज वुमेन एथलीट्स एक्सेल्ड इन ट्रैक एंड फील्ड, ब्रिंगिंग होम अ टोटल ऑफ 4 ब्रॉन्ज मेडल्स। अलॉन्ग विद प्रीति, पैरा एथलीट सिमरन सिंह एंड दीप्ति जीवांजी ऑल्सो क्लिंच्ड अ ब्रॉन्ज मेडल ईच। Apart from being bronze medalist in track and field, there is another thing common between Simran and Preeti.
बोथ आर ट्रेन्ड बाय गजेंद्र सिंह हु वर्क्स फॉर द आर्मी सर्विस कॉर्प्स। तो गजेंद्र जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, आपके दो शिष्य कहीं ना कहीं पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल्स लेके आए हैं, तो क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे आज तक मतलब ट्रैक में कभी एबल में और पैरा में कभी भी मेडल नहीं था, और पहली बार ऐसा संभव हो पाया है और उसका मैं एक हिस्सा हूँ, तो मुझे बड़ा ही मतलब अच्छा लग रहा है इस बारे में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो प्रीति जी को आप कब से ट्रेन कर रहे हैं? मैं 2022 एशियन गेम्स के बाद, वहाँ पे प्रीति का मतलब फोर्थ प्लेस थी, तो उसके बाद प्रीति मेरे पास आई थी, तो उसके बाद से हमने फिर ट्रेनिंग किया और काफ़ी अच्छी एथलीट है वो, बहुत हार्ड वर्किंग है। और सिमरन और प्रीति, ये दो मेरे पास एथलीट है और दोनों को मैंने एक साथ ट्रेन किया और वो अच्छा इम्प्रूव किया दोनों ने जी, और जिससे मतलब संभव हो पाया है। तो प्रीति जी को जब आपने ट्रेन करना शुरू किया, तो आपने कब आपको ऐसा लगा कि ये लड़की मेडल लेके आएगी? नहीं, हम ट्रैक वाले हैं, हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम पहले से डिसाइड कर लेते कि भाई ऐसा हो जाएगा। हमने अपना पर्सनल बेस्ट किया है, तो हमें लगता है कि हम हार्ड वर्किंग, हम सही जा रहे हैं। हम बार बार जैसे हम ट्रायल लेते हैं वीक में, या आप 2 वीक में ट्रायल लेते हो, या आपका जो प्रोग्राम होता है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपसे प्रोसेस को फॉलो करना होता है, आपको इंजरी से ही बचना है, आपको डाइट भी अपनी देखनी है, आपको मतलब हर चीज़ के लिए बिल्कुल एकदम प्रोसेस प्रॉपर फॉलो होना चाहिए, डिसिप्लिन रहना है आपको जी। तो आप करते रहोगे तो आपको मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, तो आप फिर आप सही जा रहे हो, आपको वर्ल्ड में पता चल जाता है मतलब कंपटीशन क्या चल रहा है जी, उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको तैयार होना है फिर। बिल्कुल। तो हम फिर जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गए प्रीति के, वहाँ पे 2 ब्रॉन्ज मेडल आए, फिर इसको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार हम कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे हमने फिर सोचा कि भाई टाइमिंग थोड़ी सी हमारी और बेटर कर सकते हैं हम, हमने और जितना हमारे पास टाइम था इम्प्रूव किया खुद को, और वहाँ के लिए हम फिर तैयार हुए और वहाँ हम ये कर पाए। तो इस सफ़र में क्या कुछ ऐसी तकलीफ़ें आपने फेस करी, कोई ऐसे ऑब्स्टिकल्स थे जो ट्रेनिंग में आए? जैसे क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि प्रीति है, अभी प्रीति के दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, तो वो बैलेंसिंग एक्सरसाइज नहीं कर पाती है जैसे कि, है ना, तो उसके लिए कुछ मतलब हम स्पेशल एक्सरसाइज होती हैं जो हम मतलब अलग से कराते हैं, तो उनसे फिर क्या है, पहले इसके पैरों में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी, अभी थोड़ी बहुत मतलब हम उसको इम्प्रूव कर पाए हैं जिसके कारण ये हो पाया है। तो अभी हम आगे से भी ऐसे ही कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो ये बिल्कुल भी नहीं कर पाती है, जंप वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता है इसके लिए, बैलेंस स्क्वाट्स वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता है, नीचे मतलब नहीं जा पाती है, तो बहुत मुश्किल है, लेकिन काफ़ी अच्छा किया है उसने, सी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एथलीट, और आगे भी बहुत कुछ करने वाली है वो, देश के लिए अपने आप को समर्पित करेगी बढ़िया तरीके से। सिमरन जी की बात करें तो आप उनसे कब और कहाँ मिले, लाइक आपकी शादी कब हुई? और 2015 में हम मिले थे, हम फ्रेंड थे वहाँ पे, 2017 में हमने नवंबर में शादी की थी, उसके बाद फिर हमने प्रोफेशनल गेम शुरू कर दिया, 2000 तब से अब तक हम खेल ही रहे हैं, वो 2 सिल्वर मेडल हैं उसके एशियन गेम्स में, और 2021 में फर्स्ट लेडी थी जिसने मतलब ट्रैक इवेंट में ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया था इंडिया को 100 मीटर में, और फिर उसके बाद हम एशियन गेम्स में 2 सिल्वर, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड, फिर उसके बाद अभी इसमें अपना पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल है उसका। तो उनको क्या 24, उसका कंपटीशन थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, जैसे कि लाइक एबल उनका 23 में मेडल जाता है, अभी हमारा एशियन गेम्स में जाता है 23 में मेडल। तो स्पोर्ट्स का उनको हमेशा से शौक था या आपसे मिलने के बाद ये शौक आया? नहीं, हमारी शादी के बाद हम प्रोफेशनल फिर सीधा एथलेटिक्स की तरफ चले गए, और उसने बहुत अच्छी मेहनत की, वहाँ से हम बार बार पर्सनल बेस्ट हम काफ़ी मतलब इम्प्रूव किया है आज तक, तो अच्छा है। ये प्रीति भी सिमरन की खोज है। अच्छा। तो आप दो एथलीट्स को, पैरा एथलीट्स को ट्रेन करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं आप? एक साथ ही ट्रेनिंग कराता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कभी भी महसूस ना हो कि भाई मैं ये नहीं कर, जब हमारे से अच्छा मतलब सबसे मेन चीज़ होती है पॉजिटिव इन्वायरमेंट, आपके चारों तरफ जो पॉजिटिव लोग हैं, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर अकेले में प्रैक्टिस कराने की, ये दोनों और कि मैं Okay. हमारे अलावा कोई तीसरा बंदा मतलब चौथा बंदा नहीं होता है वहाँ पे जब मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, तो या हमारा जो स्टाफ होता है कोई, जैसे OGQ से स्पॉन्सर हैं ये दोनों एथलीट, और मैं भी उनका पार्ट हूँ, हमारी एक टीम है, जैसे मैनेजर हो गया अर्णव सर, हमारे मतलब काफ़ी अच्छी टीम है हमारी एक जी। तो वो पूरी टीम हमें मतलब हमारे साथ ही रहती है ज़्यादातर, तो हम सारे साथ में वर्कआउट करते हैं, जहाँ भी हमारा कुछ गड़बड़ चलता है तो हम उस पर फिर एनालिसिस करते हैं उसको कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको, तो तभी ये संभव हो पाया है। OGQ से सपोर्ट आपको कब मिला? सिमरन को मिला था मैम 2019 में। अच्छा। हाँ जी मैम। और प्रीति को मिला था, प्रीति को मिला है 2023 में। और कितना? 2024 में।
2024 कितना महत्वपूर्ण रहा है उनका सपोर्ट? मैम सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं भगवान हूँ, मैं कोई हनुमान नहीं हूँ मैम। ये सब कुछ एक टीम की वजह से हो पाया है। मैं इसका पूरा क्रेडिट अपनी टीम को ही देना चाहूँगा, ठीक है? मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा था, ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो किस तरह से, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं कि OGQ किस तरह से सपोर्ट करता है, क्या सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट होता है? OGQ जैसे मतलब उनका स्टैंडर्ड होता है खिलाड़ियों का। अगर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वर्ल्ड में टॉप क्लास है, तो वो मतलब क्या है, वो बजट देते हैं ईयरली। ओके, तो उसके हिसाब से फिजियो प्रोवाइड कराते हैं, डाइटिशियन प्रोवाइड कराते हैं एथलीट को, उसके बाद लोडिंग, मतलब काफ़ी मतलब उनका अच्छा सपोर्ट रहता है। कहीं भी जाओगे आओगे तो वो अपने आप ही मतलब पूरा सब कुछ कर देते हैं। मैनेजर होता है तो वो पूरा डीलिंग खुद ही कर देते हैं। आपकी बात करें तो आपने कभी नहीं सोचा कि राधा देन आप ट्रेन करने के आप खुद जाएं और देश को रिप्रेजेंट करें ओलंपिक पैरालंपिक में? मैम मेरी 15 साल सर्विस हो गया आर्मी में। तो अगर मैं सर्विस करते हुए ये सब करा रहा हूँ, मैं एक सोल्जर हूँ, तो मुझे लगता है कि जो ये मैं कर रहा हूँ अपना, मैं 100% प्लस दे रहा हूँ इसमें। अच्छा। नौकरी करते हुए अगर ये सब मैं संभव कर पा रहा हूँ तो मेरी आर्मी मेरे साथ है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मेरी यूनिट मेरे साथ है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, पूरा स्टाफ मेरे साथ है, मेरी वाइफ को, अगर मैं एक हस्बैंड होकर अपनी वाइफ को गेम करा रहा हूँ तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। बिल्कुल, है बिल्कुल, ठीक है। तो सब मतलब जितने भी सपोर्टिव, मैं सबसे पहले तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा, जितने मेरा सपोर्ट स्टाफ है, कि उनकी वजह से ये सब कुछ संभव है। मैं अपने आप को कभी क्रेडिट नहीं देना चाहता इस चीज़ का, क्योंकि अगर वे मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक कभी आज मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू नहीं देना। आपने कहा आप आर्मी में हैं, 15 साल से हैं, तो आप किधर डिप्लॉयड हैं? अभी यहीं पे लोधी रोड पे मेरी यूनिट है मैम। अच्छा। हाँ, दिल्ली में ही पोस्टेड हूँ मैं। अच्छा जी, तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? अभी नेक्स्ट तो मैम छोटे गोल रहे उतना ही ठीक है। अभी हम नेक्स्ट अपना नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप है उस पर फोकस करेंगे मैम, उसके बाद एशियन गेम्स है, फिर से पैरालंपिक्स है। जी, थैंक यू सो मच मैम। The victory has not sunk in yet. The para-athletes will be returning to their hometown for a short break, following which they will resume preparations for World Championship. This is Tria Gulati reporting for The Print with video journalist Anisha Nehra.